हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एक पोर्टेबल बेट मशीन का, जिसको आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास पार्सल पहुंच गया है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। ये एक पोर्टेबल बेट मशीन है, तो इसके अनबॉक्सिंग हम लोग आज करेंगे। तो मैं इसको बिना किसी देरी के, जो सबसे बढ़िया काम है, इसको हम इसका क्या कहते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं दोस्तों, चीर फाड़ कर देते हैं। बस हो गया ये दोस्तों, कर दिया हमने इसका ऑपरेशन। और ये हमारे पास कीप दैट बॉक्स असाइड, ठीक है। बॉक्स की क्वालिटी तो दोस्तों उतनी कोई खास नहीं है, देखते हैं, बात करेंगे मेन प्रोडक्ट के बारे में कि ये कैसा है, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा मेन यूनिट, देख सकते हैं इसमें फैडमैन की ब्रांडिंग दी हुई है। और बाकी यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन, टेयर का बटन और एक यूनिट का बटन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। और बात करें दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, तो इसमें दोस्तों उन्होंने दो ट्रिपल सेल रखा हुआ है, ट्रिपल सेल दिया है उन्होंने। और बात करें तो कोई अच्छा खासा क्वालिटी नहीं है दोस्तों सेल का। पर्सनली मुझे ये सेल उनका जो दिया हुआ पसंद नहीं आया दोस्तों, डुप्लीकेट टाइप का ही सेल दिया हुआ है उन्होंने। बाकी अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो उसका हुक दिया हुआ है बिल्कुल स्टील का बना हुआ है दोस्तों, वो काफ़ी मुझे रग्ड लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रांग फील आ रहा है। और ये जो उन्होंने दिया हुआ ना, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये हमारा रहा बैटरी डिपार्टमेंट, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ से इसको करूँगा ओपन, यहाँ पर लगेगा ट्रिपल SL। तो देख लेते हैं कैसा करता है काम। मैं इसको जल्दी से पुट द बैटरी इनसाइड दिस बैटरी सेल बॉक्स। और ये रहा हमारा मशीन ऑन, इसको पहले लगा देते हैं दोस्तों अच्छी तरह से। ये आ गया दोस्तों, ये ऑन ऑफ का बटन दिया, आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, देख सकते हो ये सो हो रहा है। और ये अभी ऑन में है, इसका यूनिट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये किलोग्राम, ये हमारा ये पाउंड में शो कर रहा है, ठीक है। ये ऑन्स है, ये किलोग्राम, ये तीन चार तरह का वेरिएंट, मेन इसका किलोग्राम ही है, ठीक है। इसमें हम लोग रखते हैं, ठीक है। अभी इसकी एक्यूरेसी देखेंगे दोस्तों। और ये वाला टेयर का बटन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। टेयर जैसे कि बेस करने के लिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को रख दिया आपने तो वो, अगर आप टेयर का बटन दबा दोगे तो एज इट इज़ वो जीरो का जीरो हो जाएगा और ऊपर से उसका वजन होगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो बिल्ड क्वालिटी तो मुझे अच्छी लगी दोस्तों। अब इसकी मेन जो पॉइंट है उस पर आते हैं, एक्यूरेसी कितनी है दोस्तों, ये चेकआउट करेंगे। तो अभी देखेंगे कि इसका एक्यूरेट कितना है ये वेट मशीन दोस्तों। बात करेंगे इसके एक्यूरेसी के बारे में, तो मैंने यहाँ पे 1 kg का ये पैकेट लिया हुआ है रफ का, देख सकते हैं 1 kg इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं रखूँगा इसमें, क्योंकि दोस्तों ये हुक सिस्टम है, तो हमें इसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए कुछ चाहिए दोस्तों। यहाँ से ऐसे इसको लिफ्ट करेंगे, तो मैंने इसका ये जीरो कर दिया है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा। और ये हो गया जीरो पे, मैंने सेट कर दिया। और अब ये इसको मैं कर रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये लॉक कर दिया। ये इसका अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ है दोस्तों, कि वजन को लॉक कर, क्योंकि जैसे कि हम लोग ऐसे करके वेट करेंगे ना, तो जैसे कोई मान लीजिए कोई हैवी चीज़ उठा रहे हैं, ऐसा करके हम लोग पुल करेंगे उसको, तो कई बार वजन हम लोग को दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका बिल्कुल फ्रंट में दिया हुआ है, तो हम मेरे लिए विजिबल नहीं होगा, ठीक है। सामने वाला कोई अगर पर्सन खड़ा रहेगा तो उसको अच्छे से विजिबल होगा, बट मुझे विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों ये वाला जो सिस्टम है, इसका काफ़ी काम आएगा। ये लॉक कर देता है उस समय वेट को, तो मैं बाद में इसको क्या कर सकता हूँ, जब हुक से निकाल दूंगा इसको, तो मैं बाद में ईजिली इसको देख सकता हूँ दोस्तों। तो ये मुझे फैसिलिटीज़ की काफ़ी अच्छी लगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 kg 30 grams का वजन आया है। 20 जो ये 30 grams दोस्तों जो फालतू दिख रहा है ना दोस्तों, ये इसका है, ये जो कैरी बैग जो हमने लिया था ना हेल्थ के लिए, ये उसके लिए दिया हुआ है दोस्तों। ये देखो आप, इसका वजन होगा, ठीक है। तो बेट एक्यूरेट है दोस्तों, ठीक है, ये इसका वजन एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो और ये मैंने जो प्राइस पॉइंट में मंगवाया, 300 के अंडर मंगवाया दोस्तों, तो 300 मुझे लगता है कि वर्थ है दोस्तों, ठीक है। आप इसके लिए जा सकते हो, अगर आपको एक पोर्टेबल बेट मशीन की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे एक्यूरेट लगा, और भी मैंने थोड़े बहुत चीज़ें ट्राई की थी, तो मुझे ये अच्छा लगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी दूसरे ऑप्शन भी है, अगर दूसरा ऑप्शन, तो उसका भी मैं रिव्यू वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, कि वेट मशीन के लिए दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। आप इसको
आप पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो दोस्तों, आप इसको बाहर भी मार्केट लेके जा सकते हो, उसी टाइम आप किसी भी चीज़ का वेट आप कर सकते हो। तो बाकी आपको ये लेना होगा दोस्तों, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से जाके परचेज कर लेना दोस्तों। तो करें दोस्तों इसमें, और ये आप यहां पे विजिबल होगा, आप देख सकते हैं कि ये 10 kg तक मैक्सिमम, आप ये जो 0 से 10 kg में उसमें 5 ग्राम का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 5 ग्राम का वजन ऊपर नीचे हो सकता है, और 10 to 50 kg में 10 ग्राम का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब मैक्स कैपेसिटी की बात करें तो ये 50 kg तक आपका वेट ये लिफ्ट कर सकता है दोस्तों, और मिनिमम तो आप 1-2 ग्राम तक भी कर सकते हो, वही अच्छा ही दिखाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 5 ग्राम, ये बस आप ध्यान रखना कि ये 0 to 10 में 5 ग्राम का डिफरेंस दिखाएगा, और 10 to 50 ग्राम में ये 10 ग्राम का डिफरेंस दिखाएगा। तो इतना तो दोस्तों एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करें जैसे कि टेयर सिस्टम के बारे में दोस्तों, तो टेयर मैंने बता ही दिया था कि जैसे कि मैं ये फिर से एक बार अगर इसको मैं प्लेस करता हूँ दोस्तों, तो आप देख लेना कि टेयर क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जैसे इसका वजन हुआ, कर दिया तो ये वजन इसका होते हुए भी क्या हुआ, 0 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आई होप सो कि इज दैट क्लियर टू यू कि मैंने क्या कहा आपसे, और आप समझे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।